नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G सीरीज लॉन्च हो चुका है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, जहां पर दो फोन को लॉन्च किया गया है। पहला है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G स्मार्टफोन, फिर है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर अभी शो नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ शो कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G स्मार्टफोन, और इस पर डिस्काउंट वगैरह काफी अच्छे लेवल का है। डिस्काउंट के अंदर ही मेंशन किया गया है कि आप इस फोन को बाय कर सकते हैं 3,333 पर मंथ के हिसाब से। ये चीज आप कैसे कर सकते हो, इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मतलब आप इस फोन को EMI पर कैसे ले सकते हो, इसी के बारे में अभी हम जानेंगे, और जो भी होगा उसे हम देखने वाले हैं फुल लाइव प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक अभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G स्मार्टफोन है, इसका जो ऑफिशियल बैनर है उस पर मेंशन किया हुआ आपको मिलेगा कि आप इस फोन को बाय कर सकते हैं 3,333 पर मंथ के हिसाब से। ये चीज कैसे आपको करना है और किस तरीके से प्रोसेस है, इसी के बारे में अभी हम जानने वाले हैं फुल लाइव प्रूफ के साथ। देखिए, इस फोन पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है, और पहले सेल में बाय करने पर आपको इस फोन के साथ मिलेगा वायरलेस चार्जिंग का इको सिस्टम, जो कि आपको फ्री में ही मिलने वाला है। और डिस्काउंट करने के बाद इस फोन का प्राइसिंग होता है अंडर 20K। फोन काफी बेस्ट है, बिकॉज अंडर 20K में ये सब चीज मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्फिनिक्स प्रोवाइड करा रही है और इस फोन में कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं कि आप इस फोन को EMI पर कैसे बाय कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी कलर लेना है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे लेना है वीगन लेदर वाला, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको करना है बाय नाउ। आप एक्सचेंज करके भी इस फोन को EMI पर बाय कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगा उसे आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि विदाउट एक्सचेंज आप इस फोन को EMI पर कैसे बाय कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कंडीशन में ही आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। यहाँ से आपको करना बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आपको आना है पेमेंट के पेज पर। पेमेंट के पेज पर आपको देखेगा EMI वाला ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ पर बैंक दिखेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको मिलेगा HDFC बैंक और SBI बैंक के साथ डिस्काउंट, जो कि है 2,000 रुपए का। इन दोनों बैंक के साथ आपको EMI लेने पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा 2,000 रुपए का। अदर बैंक से भी आप EMI ले सकते हो, लेकिन डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं HDFC बैंक को। देखिए, EMI लेने के लिए आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, बिकॉज यहाँ पर बजाज कार्ड का अभी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तभी जाकर आप इस फोन को ले पाएंगे EMI पर। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दो यहाँ पर टेन्यूर है, पहला है 3 मंथ का, उसके बाद है 6 मंथ का, जो कि आता है नो कॉस्ट EMI के तहत। बाकी और भी आपको दिखेंगे EMI प्लान, लेकिन उस पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ सकता है, जिसका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो 6 मंथ का आपको EMI सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको पर मंथ पे करना पड़ेगा 3,352 रुपए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। और जो 6 मंथ का EMI है, इस पर मुझे 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। और नो कॉस्ट EMI के तहत आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है 902 रुपए का। वही अगर हम SBI बैंक को सिलेक्ट कर रहे थे, इस पे भी आपको मिल जाएगा 6 मंथ तक का नो कॉस्ट EMI, और इस बैंक के साथ भी आपको पड़ेगा 3,352 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपकमिंग 6 मंथ के लिए। और जो भी डिस्काउंट मेंशन किया गया है वो डिस्काउंट आपको EMI लेने पे भी मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे। आपको 6 मंथ का प्लान सिलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे। EMI लेने पर ये फोन आपको पड़ने वाला है 19,260 रुपए का, जो कि नीचे मेंशन किया हुआ है। और EMI का प्रोसेस करने के लिए बैंक आपको चार्ज करेगी 99 रुपीज, जिसका मेंशन ऊपर में किया हुआ है, बिकॉज EMI लेने पर कुछ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है। मतलब EMI पर बाई करने पर आपको इस फोन पर मिलेगा 2,847 रुपए का डिस्काउंट, जिसके चलते ये फोन आपको पड़ने वाला है 19,260 रुपए का। और दोस्तों, अगर आप इस फोन को EMI पर बाई करते हैं तो अभी आपको 1 भी रुपए पेमेंट नहीं करना होगा। आपके कार्ड का जो लिमिट होगा उसमें से 20,000 के अप्रोक्स में ब्लॉक हो जाएगा। बाकी जो इसका EMI या फिर जो टेन्यूर है वो आपको अगले महीने से भरना होता है। मतलब अभी आप इस फोन को EMI पर बाय कीजिएगा तो आपके पास फोन आ जाएगा, और अगले महीने से आपके अकाउंट में से पैसा कट होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस फोन को EMI पर बाय कर सकते हो। धन्यवाद।